मैं परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सबके लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए ये दुखदायी क्षण है। आज एक राजनीतिक युग का अंत हो गया, मैं आज निशब्द हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता को इस मौके पर याद कर रहा हूं। ठन गई मौत से ठन गई जूझने का मेरा इरादा ना था, और मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोक कर वहां खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने बार कर फिर मुझे आ जा। मौत से वे खबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफा का तेवरी तन गई। मौत से आज फिर ठन गई जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर मैं निशब्द हो गया, मैं दुख से परिपूर्ण हो गया। आज मैं गम में हूं, आज मैं गमजुदा हूं पूरी तरीके से। आज मुझे सबसे ज्यादा दुख है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता जिससे मैं आज निशब्द हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी वाणी को विराम देता हूं, और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिले। इसी के साथ एक बार फिर से मैं अपनी भावपूर्ण, अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।